That's but a smile on that face. And... why so serious? Why so serious? हम सभी फैंस हमेशा से ही मार्वल और डीसी को लेकर ये जरूर बोलते हैं कि मार्वल लाइट टोन पर बेस है तो डीसी काफी डार्क और सीरियस टोन पर। अब मार्वल की लाइट सेमी टोन तो हम फैंस को आयरन मैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, थॉर रैग्नारोक जैसी मूवी में देखने को मिल चुकी है, लेकिन अगर डीसी की रियल डार्क और सीरियस टोन क्या हो सकती है और डीसी यूनिवर्स में इस टोन पर बेस कितनी ग्रेट मूवी बन सकती है, इसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल है डीसी की जोकर मूवी। यूं तो कई फैंस ने आर रेटेड सुपर हीरो मूवी देखी होंगी, लेकिन अगर इसी रेटिंग को डीसी यूनिवर्स के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो उसका जो सबसे बेस्ट रिजल्ट निकलेगा वो सही में जोकर मूवी ही होगी। सो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवी यानी कि जोकर मूवी कितनी ज्यादा औसम है, लेकिन मूवी में और क्या क्या स्पेशल थिंग है और क्या इस मूवी को हर कोई सुपर हीरो मूवी फैन देख सकता है, ये आज हम जोकर मूवी के स्पॉइलर फ्री रिव्यू में डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। अब ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसलिए मैं आपको मूवी की स्टोरी से रिलेटेड ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर जोकर मूवी के मेन प्लॉट की बात की जाए तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आर्थर फ्लैग को किस तरह से सोसाइटी साइड डाउन करती है और मेंटल इलनेस से उसकी पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको इस मूवी में काफी डिस्टर्बिंग वे में दिखाया गया है। अब यहाँ मैंने डिस्टर्बिंग वर्ड इसलिए ही यूज करा क्योंकि कुछ सीन में जोकर यानी कि आर्थर फ्लैग के कैरेक्टर को लोग बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं, जो ज्यादातर लोगों को बहुत ही डिस्टर्बिंग लग सकता है। इसके अलावा स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो मूवी का स्क्रीन प्ले काफी फास्ट है, जिसमें आर्थर फ्लैग के एक मेंटल इलनेस के फेस से उसके जोकर बनने तक के सफर को काफी इंटरेस्टिंग वे में शो किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मूवी काफी डार्क है, जिस वजह से इस मूवी की डार्क और सीरियस टोन जोकर मूवी के स्क्रीन प्ले का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो गॉथम सिटी को डार्क साइड में दिखाया गया है। आर्थर फ्लैग के अपार्टमेंट में जो भी सीन फीचर हुए हैं उसमें लाइटनिंग ऐसी रखी गई है जिसमें ऑडियंस आर्थर फ्लैग की सैडनेस को फील कर सकती है। फिलहाल जोकर मूवी का स्क्रीन प्ले इसलिए भी अच्छा था क्योंकि मूवी की स्टोरी में दो क्विक टर्न या काहे सीक्रेट आते हैं जिससे किसी भी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, यानी कि मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले वाकई में बहुत ही बेटर था। एक्टिंग मूवी पूरी तरह से जोकर या कहा जाए आर्थर फ्लैग के कैरेक्टर पर बेस्ड थी। देखा जाए तो मूवी के एंड होने पर आपको किसी और अदर कैरेक्टर की परफॉर्मेंस याद भी नहीं रहेगी, जिसका सबसे बड़ा रीजन है जोआकिन फिनिक्स की ऑस्कर विनिंग एक्टिंग। वैसे इससे पहले जोआकिन फिनिक्स अपनी मेथड एक्टिंग से ये प्रूव कर चुके थे कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस मूवी में उन्होंने अपनी मेथड एक्टिंग में एक और थिंग ऐड कर ली है, जो है बॉडी एक्टिंग। इस मूवी में उन्होंने आर्थर फ्लैग की मेंटल इलनेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, जोकर लाफ को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं बल्कि बॉडी एक्टिंग से भी जोकर मूवी में अपनी परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। इस मूवी के बाद सभी लोग हीथ लेजर के जोकर और उनके जोकर वर्जन को जरूर कंपेयर करेंगे। फिलहाल दोनों ही एक्टर्स की परफॉर्मेंस ऑस्कर विनिंग है, लेकिन इस मूवी में जोआकिन फिनिक्स की जोकर परफॉर्मेंस में एक स्पेशल बात ज्यादा है कि यहाँ उन्होंने जोकर जैसे बैड कैरेक्टर के लिए भी फैंस के बीच में सिंपैथी क्रिएट कर दी है। आर रेटेड एंड इंग्लिश वर्जन, इस मूवी को आर रेटेड रेटिंग मिली है, जिस वजह से इस मूवी से सभी फैंस ने बहुत ही ज्यादा ग्राफिक वायलेंस एक्सपेक्ट करा था, लेकिन देखा जाए तो कई आर रेटेड मूवी के कंपैरिजन में इस मूवी में दिखाया गया ग्राफिक वायलेंस काफी कम था। फिर भी मूवी की फील और स्क्रीन प्ले ऐसा था कि इसके लिए आर रेटेड रेटिंग मिलना काफी इंपॉर्टेंट था। फिलहाल यही सबसे बड़ा रीजन बना कि ये मूवी इंडिया में हिंदी में रिलीज नहीं हुई। डीसी पहले भी इंडिया में कई मूवीज को सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज कर चुका है और शायद इस बार उनको ये एक्सक्यूज मिल गया कि ये मूवी आर रेटेड है। फिलहाल अगर आप इस मूवी को सिर्फ इसलिए ही स्किप कर रहे हैं कि ये मूवी हिंदी में डब नहीं हो पाई है तो ये सच में एक मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन और उसके डायलॉग वगैरह ऐसे नहीं है जो फैंस को बिल्कुल भी समझ में ना आए। वैसे गाइस इस मूवी में जोआकिन फिनिक्स की मेथड एक्टिंग ज्यादा है, जिस वजह से इस मूवी में इतने ज्यादा डायलॉग नहीं है। ओवरऑल फाइनल वर्ड, ये मूवी एक अलग फील पर बेस्ड है जो जोकर के इमोशनल पार्ट्स को बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वे में दिखाती है। हर किसी में कुछ न कुछ बुरा होता है, ये मूवी इस बात को बहुत सही वे में शो करती है। वैसे जोकर बात बात पर हंसता क्यों है, इसको बहुत सही तरीके से इस मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। यही नहीं, ये मूवी आगे बैटमैन से भी कनेक्ट हो सकती है, इसको भी इस मूवी के एंड में टीज किया जा चुका है। ओवरऑल जोकर मूवी एक ग्रेट ड्रामा मूवी है जिसे किसी भी फैन को, स्पेशली डीसी फैन को मिस नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये था जोकर मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। तो इसी के नोट पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना लाइक दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूरी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं अंकित मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।